हेलो फ्रेंड्स, एमपीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट नंबर 4 एमपीएस 004 ये सॉल्व असाइनमेंट्स आप हैंड रिटन फॉर्म में देख रहे हैं। इससे पहले हमने एमपीएस 03, 2 और 1 को डिस्कस कर लिया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। यहाँ हम आपके लिए हैंड रिटन स्कैन पीडीएफ इसलिए लेके आए हैं ताकि आप इन पीडीएफ को परचेज़ करके डायरेक्ट ऑनलाइन सबमिट कर पाए। आप सभी जानते हैं कि आपको असाइनमेंट सब ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करना है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट्स अभी रेडी नहीं किया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक मौका है कि आप हमसे डायरेक्ट इन पीडीएफ को परचेज़ करके सबमिट कर पाएंगे। और यहाँ पर हम वीडियो के रूप में आपके लिए असाइनमेंट्स लेके आए हैं ताकि आप इनकी क्वालिटी, हैंडराइटिंग को अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि क्या आपको ये पीडीएफ परचेज करना चाहिए या नहीं। ये वीडियो आपके लिए इस तरीके से भी हेल्पफुल है कि अगर आप इस पीडीएफ को परचेज नहीं करना चाहते तो असाइनमेंट्स को किस तरीके से रेडी किया जाए ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज पॉइंट जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चंस लिखने के लिए ब्लैक पेन और आंसर्स के लिए ब्लू पेन का यूज़ किया गया है। हेडिंग के लिए भी यहाँ ब्लू पेन के साथ साथ ब्लैक पेन का भी यूज़ किया गया है, तो आप इस तरीके से खुद से भी अपना असाइनमेंट्स रेडी कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिया गया है कि किस तरीके से पीडीएफ को रेडी करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स सभी पहले अपने गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए कि किस प्रकार से पीडीएफ को रेडी किया जाए। यहाँ पे कुछ माइनर डिफरेंसेस मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉलेजेस द्वारा या स्टडी सेंटर द्वारा ये बोला गया है कि आप असाइनमेंट्स के सभी पेजेस पे अपना नेम और इनरोलमेंट नंबर ज़रूर लिखेंगे। इसके साथ साथ एक चेंजेस आपको ये देखने का मिलेगा कि पीडीएफ फाइल नेम देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से पीडीएफ फाइल का नेम देना है, तो नेम देते समय आप अपना इनरोलमेंट नंबर और सब्जेक्ट कोड का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आपको फ्रंट पेज, क्वेश्चन पेपर और इग्नू आईडी कार्ड भी इन सॉल्यूशंस के साथ में अटैच करना होता है, तो आप अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हमसे असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं और वो कंप्लीट रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स होगा जिसे आप डायरेक्ट सबमिट कर पाएंगे। यदि आप किसी और कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि आप असाइनमेंट्स को परचेज कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।